नमस्कार। किसी भी कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बेहद जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज द मस्ट फॉर एनी वर्क। आप कोई भी स्टार्ट कार्य कर रहे हो ना, और आपके अंदर अगर उस कार्य के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह कार्य आपका कभी भी सक्सेस नहीं होगा। अब बहुत से जने कहते हैं, सर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कहां से लाएं? कॉन्फिडेंस कहां से लाएं सर? हम करना तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम तो कितने ही कार्य करना चाहते हैं, कितनी भी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कहां से लाएं? बात तो बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस लाए कहां से? पता है आपको, कॉन्फिडेंस तीन वजह से आता है। इंसान के अंदर एबिलिटी, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी कार्य करने के लिए अगर योग्यता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपको किसी कार्य करने का अनुभव है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा डेफिनेटली। और किसी कार्य को बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से इंसान के अंदर अनुभव आता है। और अनुभव आने के बाद इंसान क्या करता है, अरे ये कार्य तो मैं चुटकी में कर लूंगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस, ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपको भी कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एबिलिटी बढ़ाए, अपनी योग्यता बढ़ाए। आपको कोई कार्य करना है, पता है आपको, आपको कोई कार्य करना और उस कार्य के लिए आप योग्य नहीं हो, योग्य समझे ना, आप योग्य मतलब आप उसके लिए लेवल, मतलब किसी भी, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, पता है आपको, तो उसमें योग्यता मांगी जाती है कि 10th पास होना जरूरी होगा, 12th पास होना जरूरी होगा, बीए होना चाहिए, या कोई डिग्री या कोई भी डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। तो क्यों योग्यता क्यों मांगी जाती है? योग्यता इसलिए मांगी जाती है कि आप जब उस फील्ड में जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कोई भी करने का। जैसे कि आपने, आप टीचर बनने के लिए कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बीएड की योग्यता होनी जरूरी है। और बीएड की योग्यता क्यों है? जब आप टीचर, जब बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो आपको बीएड की योग्यता होगी ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं यार, मैंने कोर्स किया हुआ है, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? यहां से कॉन्फिडेंस निकलता है, योग्यता से। सबसे पहले आपके अंदर अपनी एबिलिटी क्रिएट करनी होगी किसी काम को लेकर, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सेकंड, अनुभव। अनुभव से भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपने कोई कार्य, अगर एक बात ध्यान रखना, कोई भी इंसान हो, फर्स्ट बार इनिशियल स्टेज में फर्स्ट बार कोई भी वर्क करता है, स्टार्ट करता है, पता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत कम कॉन्फिडेंस होता, और मन में एक शंका होती है, यार क्या यार ये काम सक्सेस होगा नहीं होगा, एक मन में एक दुविधा चलती रहती है। लेकिन जब इंसान को वो कार्य का अनुभव हो जाता है ना, फिर अनुभव, इंसान क्या कहता है, अरे ये कार्य ये तो मैं चुटकी में कर लूंगा, ये क्या बोलता है, उसका अनुभव बोलता है, उसका कॉन्फिडेंस बोलता है कि नहीं ये कार्य तो मैं चुटकी में कर लूंगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अनुभव से आता है। अगर आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर, तो बस अनुभव लें, हर कार्य का अनुभव लें, जो जिस कार्य को आपको करना है, जिस फील्ड में जाना है, उसका अनुभव लें। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना एक दिन। बहुत से जन नहीं कहते, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूर, उनके अंदर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तब वो कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है यार, ये तो मैं चुटकियों से कर लूंगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस, जब आप बार बार किसी कार्य की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके अंदर मतलब इतना हैवी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कुछ भी कार्य चुटकियों में कर लोगे। अधिकतर कॉन्फिडेंस आता है तो प्रैक्टिस करने से आता है। आप बार बार किसी वर्क की प्रैक्टिस करोगे तो आपको, फिर आपको अनुभव होगा, अरे यार ये कार्य तो मैंने पहले किया हुआ, कहीं कोने से आपको एक छोटी सी आवाज निकल के आएगी, नहीं ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ, चुटकियों में कर सकता हूँ। वो कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है।
तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको ये तीन क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होगी, एबिलिटी, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये तीनों आपके अंदर आ गए ना तो आप कॉन्फिडेंस से बढ़ जाओगे और आप कुछ भी कार्य चुटकियों में कर लोगे।